लेकर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारियों ने एक शिकायती पत्र जिलाधिकारी को सौंपा है, जिसमें उन्होंने चार बिंदुओं पर विशेष रूप से विचार करने का आग्रह किया है। जिला मुख्यालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुँचे ये सभी लोग भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारी है। यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज सिंह, राष्ट्रीय मुख्य सचिव ठाकुर सत्यवान चौहान के नेतृत्व में यहाँ पहुँचे हैं। इन सभी भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी बहन बहादुर सिंह को किसानों की चार सूत्रीय शिकायतों को लेकर एक शिकायती पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आवारा पशु जो घूम रहे हैं उन्हें हर ग्राम पंचायत में गौशाला बनवा कर गौशाला में पहुँचाने का प्रबंध किया जाए, जिसके लिए संबंधित क्षेत्र के प्रधान को आदेशित किया जाए, गेहूं खरीद की समय सीमा को बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी भी कुछ किसानों का गेहूं टूट गया है जिसको खरीदने के आदेश दिए जाएं। तय के लिए किसानों को निर्धारित भारत के विद्युत कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर प्रदान किए जाएं, जिससे वे अपने खेतों में फसल की सिंचाई समय से कर सके। साथ ही नगला ताल, नई बस्ती, सुतियाना में काफी मजदूरों के घरों के आसपास बिजली की पोल न होने के कारण विद्युत कनेक्शन से ऐसे सभी लोग वंचित हैं, जिनकी समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर अतिशीघ्र करने का आदेश दिया जाए। इन सभी शिकायतों को लेकर शिकायती पत्र दिया गया है और यहां शिकायती पत्र देने पहुंचे पदाधिकारियों ने क्या कुछ बताया है, यह जरा आप भी सुने। कुमार और आगा चौहान, किस पार्टी से? किसान यूनियन लोक शक्ति से। आज यहां ज्ञापन देने आए, किन मांगों को लेकर? किसानों के जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनके लिए और सिंचाई के लिए किसानों की और मजदूरों की जो समस्याएं हैं और जो गेहूँ जो किसानों को रह गए हैं बेचने के लिए उनकी भी तारीख बढ़ाई या किसान परेशान है उनके लिए देने मांगे पूरी नहीं तो क्या करेंगे?